वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब नाउ। स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने बात की है, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके थ्योरी पोर्शन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कंडक्शन के बारे में। तो देखिए, पहले तो कंडक्शन क्या होता है, आपने चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। किसके बारे में? ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है वो बात करते हैं पहले। देखिए, किसी चालक में बहने वाली धारा उस पर प्रयुक्त वोल्टता एवं चालक द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध के अनुपात के तुल्य होते हैं। देखिए, किसी चालक, जैसे हम किसी चालक के बारे में बात करते हैं, उस चालक में जो बहने वाली धारा है उस पर जो हम वोल्टता उस पर क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, वोल्टता प्रयुक्त करते हैं, जैसे वी मैंने इसको डिनोट कर दिया। इस वोल्टता और जो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस होगा, जो हमारे पास चालक होगा उसका रेजिस्टेंस होगा, उसके अनुपात की तुल्य होती है हमारी क्या धारा होती है। इस हम रेजिस्टेंस को इसका क्या ऐसा यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास ओम। क्या बोलते हैं इसको? ओम बोलते हैं। ओके, ये वाली बात हो गई। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, चालकों में क्या होता है, जो हमारे पास चालक होता है, एक तो ये लोग हमने बात की किसी चालक के बारे में। देखिए, ये वाला मेरा कोई चालक है यहाँ पे, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम बात करने वाले यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में, कि सॉल्यूशन में किस टाइप से होता है। देखो, सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो चालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। साथ ही साथ हम बात करें सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन में क्या, हमारे पास चालक होंगे उनमें प्रतिरोध कम होगा, जो हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे उनमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशंस में प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास प्रतिरोध को काम में लेके हम लेंगे एक टर्म को यूज में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं इसको। कंडक्टेंस क्या होता है हमारे पास, देखिए कंडक्टेंस जो होता है वो प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का ऑपोजिट होता है। जैसे मैं बात करूं कंडक्टेंस को हम किससे शो करते हैं, डिनोट करते हैं हम जी से। किससे करते हैं? जी से करते हैं। और ये किसके होता है, जो हमारे पास प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम होता है। मतलब कि क्या हुआ, हमारे पास जो हमारा प्रतिरोध होगा उसका विपरीत क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारा कंडक्टेंस होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस को, हमारे पास जो कंडक्टेंस होता है इसको हिंदी में बोलते हैं चालकत्व है। क्या बोलते हैं? चालकत्व है। आप अगर इंग्लिश में याद रखें तो आपको आसानी होगी इसको याद रखने में, क्योंकि आप हिंदी में याद करोगे तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा आपको याद करने में दिक्कत होगी, या फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको चालकत्व बोलते हैं, किसको प्रतिरोधकता बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। ये वाली बात हो जाती है। इस टाइप से बात करते हैं इसके ऐसा यूनिट की। देखो, ऐसा यूनिट क्या होगा इसके, हमारे पास क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस की, ऐसा यूनिट हमारे पास ओम है। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारे पास जी की यूनिट आएगी वो क्या होगा, 1/ ओम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स बोल देंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं महो। क्या बोलते हैं इसको? महोवे बोलते हैं, या फिर सीमेंट्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सीमेंट्स भी बोलते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास इसको ऐसे यूनिट में इस टाइप से लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, या फिर महो बोल सकते हैं, या फिर सीमेंट्स बोलते हैं। ये इसकी क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है। हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया, और एक हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंडक्टेंस। इसको किसी से डिनोट करते हैं, हम जी से करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है ओम्स लॉ को पढ़ लिया है, साथ हमने कंडक्टेंस को पढ़ लिया। देखिए क्या होता है, जब हम करते हैं, जैसे कोई किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका संगठन स्थिर रहता है। जैसे मेरे पास ये कोई चालक है, अगर इसमें से मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो इसका जो संगठन होगा वो ऐसा का ऐसा, कंपोजिशन सेम रहेगा इसका। अगर मैं बात करूँ विद्युत अपघटनी चालकों के बारे में, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके बारे में, विद्युत मैं इनमें से विद्युत धारा का प्रवाहित करूं तो इनमें क्या होगा, इनमें रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे ही रासायनिक परिवर्तन होगा तो इनका क्या हो जाएगा, कंपोजिशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होता है तो इसका अध्ययन करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, इसके लिए हम ओनली कंडक्टेंस के साथ साथ में किसको यूज लेते हैं, वो लेते हैं हम कंडक्टिविटी को यूज में लेते हैं। इसको कंडक्टिविटी को, तो पहले हम कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए रेजिस्टिविटी क्या होती है, या फिर हमारे पास जो स्पेसिफिक हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, देखिए बात करते हैं। देखो, जब किसी समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो छड़ का प्रतिरोध, छड़ की लंबाई एल, देखिए क्या बात कर रहा हूँ मैं, एक यहाँ पे एक चालक के बारे में बात करता हूँ। देखो, जब इस चालक में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इससे क्या कर रहे हैं, हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो इसका प्रतिरोध होगा, इस चालक का प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, देखिए जब किसी समान अनुप्रस्थ काट, जो इसका अनुप्रस्थ काट है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, मान लिया मैंने ए है और इसकी लंबाई क्या है, इसमें एल है, तो इसमें क्या होगा, देखो
जब किसी समान अनुप्रस्थ काट के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, छड़ का प्रतिरोध, यहाँ पे क्या है मेरे पास, छड़, इस छड़ का प्रतिरोध है जो मेरे पास, ये वाला प्रतिरोध है, छड़ का प्रतिरोध, छड़ की लंबाई, लंबाई क्या है इसकी, एल के समानुपाती होता है, तथा उसके काट के क्षेत्रफल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके क्या होता है, वो होता है एंटी प्रोपोर्शनल होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास ये वाली टर्म आती है, देखो जब इस चालक में से हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो इस चालक का तो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो इसकी लंबाई के तो क्या होगा, समानुपाती होगा, जिस जिस लंबाई बढ़ती जाएगी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात करें इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में, तो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा इसका प्रतिरोध कम होता जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, देखो मेरे पास ये वाला है कोई गेट है, यहाँ पे देखो हम घर की बात कर लेते हैं, देखो ये वाला मेरे पास गेट है, इसमें से मैं कुछ लोग बाहर निकालता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं एक साथ यहाँ से आदमी बाहर निकालूंगा तो ये वाला क्या है, ये छोटा है, तो इसमें से क्या होगा, जैसे आदमी बाहर निकलेंगे तो इसमें क्या होगा, उनको ज्यादा उसको क्या होगी, उनमें प्रॉब्लम होगी बाहर निकलने में। अगर मैं इसी को बड़ा कर दूं, इसको बड़ा कर दूं, ये आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इसी टाइप से क्या हुआ, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को बड़ा कर दूं तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से फ्लो कर लेंगे, और जिससे इसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास ये वाली पोजिशन आती है। अब क्या होगा, इस हमारे को जो प्रोपोर्शनल है इसके इस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इस टाइप के, ये वाली बात है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं रो, और इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए इसको हम किस किस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखो जब भी आपको किसी भी हमारे पास जो कांस्टेंट हो, ये वाला क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोल देंगे, क्या बोल देंगे रेजिस्टिविटी। अब जब भी हम किसी भी कांस्टेंट को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो इस कांस्टेंट के साथ में जो भी वैल्यू है उनको क्या कर दें, आप यूनिट के रूप में ले लें, इनको कर दें, जैसे लंबाई है उसको मैं ले लूँ 1 सेंटीमीटर, जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको ले लूँ मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी 1 1 वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा इससे रो के बराबर हो जाएगा। मतलब कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले जो हमारे पास चालक होगा उसका जो प्रतिरोध होगा वही क्या हुआ, हमारी प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो ये क्या हुआ, ये वाला हमारे पास एक रिलेशन निकल के इसमें सामने आ जाता है। तो देखिए इस रिलेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया पहले तो कंडक्टेंस को लिख लिया, और अब लिख लेता हूँ रेजिस्टिविटी को, ये भी मेरी रेजिस्टिविटी, इसको किससे कर सकते हैं आप, ये वाली हो जाएगी आपकी रो हो जाएगी, और साथ में देखो आपके पास सूत्र क्या आया था, वो आया था ये वाला रो एल अपॉन ए, तो इसको क्या लेना है हमारे, इसको लेना है ये गया ऊपर, ये वाला नीचे यहाँ पे, तो ये एल और ये वाला इस फॉर्म में आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बना, ए आर जो हमारा रेजिस्टेंस होगा और ये हमारी लेंथ हो जाएगी, और इसके हम देखें ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट देखने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास एरिया है तो इसमें किसमें लिया मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसका क्या होता है हमारे पास, वो होता है ओम होता है, और लेंथ किसमें लिया मैंने सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर के से, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी किसकी, किसकी रो की, क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी ओम सेंटीमीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे पास ओम सेंटीमीटर, ये वाली ऐसा यूनिट हो जाती है। आपको देखा होगा कि जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इनकी डायरेक्ट ऐसा यूनिट भी पूछ ली जाती है, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उनके साथ में आपको ऐसा यूनिट तो यहाँ पे लिखनी होगी, तो आप ऐसा यूनिट को भी साथ साथ में ध्यान रखते चले जाएंगे। ठीक है, ये वाली होगी हमारे पास ओम का नियम होगा, से इससे हमने क्या किया प्रतिरोध निकाला, प्रतिरोध से क्या बोला, प्रतिरोध का हमारे पास जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है हमारा कंडक्टेंस होता है, और जो हमारे पास आगे बात करें रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो होती है अगर हम एक स्पेशल कंडीशन में देखा तो देखें तो उसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है वो किसके किसके बराबर होती है, वो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसी के बराबर होती है। अब बात करते हैं हम कंडक्टिविटी की, देखिए कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है इसका हमारे पास जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा हमारी कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी को किसके किससे दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं के से, इसको क्या बोलते हैं कपा, ये क्या हो हमारे पास जो हमारी रेजिस्टिविटी होगी उसका व्युत्क्रम क्या हमारे पास क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारी कंडक्टिविटी, इसका व्युत्क्रम क्या हुआ ये वाला हमारी क्या कहलाती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे शो करते हैं, कपा से शो करते हैं। अगर मैं इसमें यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट निकालू, क्या करूँ ऐसा यूनिट निकालू, ऐसा यूनिट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें देखो मैं यहाँ पे रो की वैल्यू रखूंगी, या फिर आप रो का डायरेक्ट रख सकते हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हो, जैसे मैं इसकी वैल्यू रखूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं आप, या फिर मऊ बोल सकते हैं, सीमेंस बोल सकते हैं, इसको क्या सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी इसको आगे किस टाइप से किस रूप में लिख सकते हैं, इसको देखो हम लिख सकते हैं इसको कपा हो गया हमारा ये वाला,
वन अपॉन रो, देखो रो का ये हमारे पास ऐसा आया था, ये ए आर जो एल था वो ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, इसको देखो इस टाइप से लिख सकते हैं, वन अपॉन आर, वन अपॉन आर हो गया इंटू साथ साथ मेरे पास क्या है एल अपॉन ए। अब आप देखो यहाँ पे वन अपॉन आर हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे वन अपॉन आर हमारे पास क्या है कंडक्टेंस जी, तो इसको किस टाइप से लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ जी इंटू एल अपॉन ए, हमारे पास ये क्या है हमारे पास कपा, ये वाली फॉर्म हो जाती है। तो इसका आप आसानी से सूत्र लिख सकते हैं, इसका एक सूत्र ये वाला भी हमारे पास हुआ जाता है। तो हमारी कंडक्टिविटी है जो हमारे पास वो किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्व करने में ये हमारे को आसानी रहेगी। तो आगे बात करते हैं कंडक्टिविटी के जो टाइप होंगे उनके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको, पहले तो एक स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, देखो यहाँ पे लेते हैं ये वाला मेरा एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या है जो हमारे पास ये जो वाले दो इलेक्ट्रोड हैं, ये हमारे क्या है ये मेरे इलेक्ट्रोड हैं, तो इन इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है मेरे पास, वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में दूरी है जो ये वाली दूरी है ये क्या है 1 सेंटीमीटर, इसको रख देता हूँ। तो इस टाइप से मेरे पास ये क्या है, और इसके अंदर क्या भर देता हूँ मैं, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इसमें भर देता हूँ। तो इस टाइप से मेरे पास एक ये वाला सिस्टम होता है। तो इसमें क्या है देखो मेरे पास ये ए और बी मेरे पास क्या है दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है ये वाला क्या है ए और बी दो इलेक्ट्रोड है जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, अर्थात जो हमारे पास ये वाला जो जो वाला ये वाला एरिया है इसमें क्या है हमारे पास ये वाला एरिया है जो इस प्रकार के विन्यास वाले सेल में विद्युत अपघट्य विलयन भर दिया जाता है, हमने इसमें क्या कर दिया विद्युत अपघट्य को इसमें भर दिया है, तो इस सेल का जो हमारे पास कंडक्टेंस होगा वही हमारे पास क्या होगी वही इसकी कंडक्टिविटी होगी, जो इसका इसका जो हमारे पास जो जो भी हमारे पास इसका कंडक्टेंस होगा क्या कंडक्टेंस होगा यही हमारे पास क्या होगी इसकी कंडक्टिविटी होगी, इसका क्या होगा कपा होगा। तो हम बात करते हैं देखो यहाँ पे इसमें जो अपघट्य होगा वो कितना होगा, देखिए हमारे पास बात करते हैं 1 सेंटीमीटर इसका क्या है इसके दोनों के बीच की दूरी है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर का, देखो अब देखो मैं बात करूँ इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, इसमें देखो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है वन से एल ये लंबाई इंटू क्षेत्रफल, जब भी आप लंबाई और क्षेत्रफल को करते हो तो क्या हो जाता है वॉल्यूम आ जाता है, इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम आ जाता है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब कि इसमें क्या होगा इसमें होगा जो हमारे पास ये वाला जो सेल बना है इसमें क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या है वॉल्यूम है, और इसको क्या बोल सकते हो 1 cc भी बोल सकते हो, या 1 cc के साथ साथ इसको क्या बोल सकते हो 1 ml, मतलब कि जो हमारे पास ये वाली कंडीशन बनी है इसमें क्या है 1 ml हमारे पास क्या है ये वाला है हमारा जो इसमें है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इतना 1 ml भरा हुआ है, और जो हमारे पास जो 1 ml जो सोल्यूशन है इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है हमारी के है, कंडक्टिविटी क्या है कपा के बराबर है, और कपा किसके बराबर होता है 1/ρ या फिर इसके बराबर होता है। तो इस टाइप से हम लोगों ने इसके बारे में बात करी। तो देखिए जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उनमें जो ये वाला सेल है वो बनाना आसान नहीं होता है, ठीक है, तो इस सेल देखो 1 सेंटीमीटर देखो कितना होता है लगभग इतना सा होता है 1 सेंटीमीटर, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए वो भी इतना सा, तो इतने में से कितना सा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भरा जा सकता है, उसका अध्ययन किस टाइप से किया जाता है वो इसकी सुविधाजनक के लिए हम लोग बड़े सेल का यूज में लेते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाए थे और जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होता है उनका यूज में लिया जाता है। तो हमारे पास ये वाली ट्रम आई इसमें देखो या फिर क्या है मेरे पास देखो ये वाली आई थी जी एल अपॉन ए, तो यहाँ पे एल अपॉन ए क्या है देखो जो ये एल अपॉन ए है इसको बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, और इस एल अपॉन ए को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है वो करते हैं हम जी स्टार के, इसको इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं, तो हमारे पास जो कप्पा होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी जी इंटू जी स्टार, हमारे पास जो कप्पा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जी स्टार है हमारा क्या है सेल कांस्टेंट है, क्या हो गया सेल कांस्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं के की एसआई यूनिट के बारे में, तो के की एसआई यूनिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे जी जी हमारे पास क्या है जी देखो रेजिस्टेंस का क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस का यहाँ पे क्या है व्युत्क्रम है, तो जी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो जी की क्या हो जाएगी हमारे पास ओम इनवर्स हो जाएगी, साथ साथ बात करते हैं हमारे पास जो एल है वो किसमें है सेंटीमीटर में है, और जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है वो कि इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, जो सेंटीमीटर ऊपर गया तो इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाती है। जो हमारे पास कपा जो कंडक्टिविटी है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टेंस के बारे में देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, पहले इसको डिनोट करते हैं किससे
या तो फिर कर सकते हो आप केप एम से, या फिर कर सकते हो आप इससे, इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस होता क्या। देखिए मोलर कंडक्टेंस, इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं पहले। कंडक्टेंस ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। क्या मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो ही क्या कहलाएगा, हमारे पास मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस को किस तरह से डिराइव करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं जो हमने अभी पढ़ा है। यहां पे क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक चीज पढ़ी थी हमने कपा। तो देखिए कपा क्या, हमारे पास कपा किसको बोलेंगे, यहां पे जी इंटू जी स्टार, यहाँ पे जी क्या है हमारे पास, जी हमारे पास कंडक्टेंस, और जी स्टार क्या हमारे पास, सेल कॉन्स्टेंट। जो हमारे पास जी स्टार है वो क्या है, जी स्टार है सेल कॉन्स्टेंट, जिसको किसने लिखा था, मैंने एल अपॉन ए से यहाँ पे डिनोट किया था। उसके बाद बात करते हैं वैसे रियल में जो हमारे पास कप्पा होता है, जो हमारे पास वो होता क्या है, देखो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, जो कप्पा होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है हमारे पास, जो हमारे पास कंडक्टेंट या कंडक्टिविटी होती है वो क्या कहलाती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, दैट्स कॉल्ड कप्पा या कंडक्टिविटी। ये वाली हमारे पास, अगर आपको ये दोनों याद है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखिए बात करते हैं, मैं बात करूं यहाँ पे, देखो इसमें क्या बताया, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखिए बात करते, देखो पहले हम बात कर देख लेते हैं हम कंटेनर, इसमें क्या भरा हुआ है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये क्या मेरे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है। और हमारे पास गिवन है इसकी मोलरिटी, क्या इसकी मोलरिटी कितनी है, एम इसकी गिवन है हमारे पास। बात करते हैं इसमें मोलर कंडक्टेंस, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें मैं बात करूं, यहाँ पे HCl ले सकते हो या फिर NaCl ले सकते हो, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। इसका कितना है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है उसको कितना, ओनली 1 मोल है, क्या हमारे पास 1 मोल है। और सोल्यूशन चाहे कितना भी हो हमारे पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका कितना हो चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो हमारे पास मोलरिटी गिवन है, साथ ही साथ में हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका हमारे पास मोल गिव्स है, तो हम इस टाइप से इसका वॉल्यूम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो मैंने इसे बताया क्या, एक बार फिर से देख लीजिए, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो हमारे पास कंडक्टेंस होता है वही हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टेंस। ये वाली बात हो गई, तो इसको करते हैं, जो वॉल्यूम है इसका वो निकालते हैं पहले। मोलिटी होती है हमारे पास मोल ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या होती है, मोलिटी होती है। हमारे पास मोलिटी गिवन है, हमारे पास मोल हमारे पास गिवन है, तो इससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, वॉल्यूम इसका कैलकुलेट कर सकते हो। तो वॉल्यूम जैसे निकालेंगे हम, इसको क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, यहाँ पे जो मोलिटी है इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, मोल कितने, हमारे पास मोल क्या है, मोलर कंडक्टेंस है, मोल कितने हमारे पास, 1 है यहाँ पे, और जो हमारे पास मोलिटी वो कितनी है, एम है। तो ये वाली हमारे पास क्या हुई, ये वाली फॉर्म आ जाती है यहाँ पे। इसका वॉल्यूम क्या हुआ, मोल कितने हमारे पास, मोल है, और ये हमारे पास ये क्या है, मोलरिटी हो जाती है। मोल किस में है, सॉल्यूशन कितना है, लीटर में है, इसका लीटर में है, और हमारे पास जो मोलरिटी हो गया मोल में है, ये वाली हो जाती है, इसमें लीटर पर मोल हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये तो लीटर में आ रहा है, अगर हमारे पास ये लीटर में ना आकर वॉल्यूम अगर हमारे पास ml में आ जाए, तो ml वो डायरेक्ट कपा से हम इसको मल्टीपल करके इससे आसानी से इसका मोलर कंडक्टेंस इसको निकाल सकते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एमएल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एमएल में कन्वर्ट करते हैं। तो एमएल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, वी इज इक्वल टू 1 हो गया इसका, ये लीटर में था हमारे पास, ये क्या है लीटर में है यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको मैं मल्टीपल कर दू किससे, 1000 से, जैसे इसको मल्टीपल करूंगा 1000 से, और हमारे पास क्या है, ये एम का एम रह जाएगा। तो इस टाइप से ये वाला हो जाएगा हमारे पास, अब किसमें आ गया, मोल पर, हमारे पास जो मोल हो जाएंगे मोल पर एमएल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या था मोल पर लीटर था, ये इस किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इसमें मोल पर एमएल में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम है,
वो कितना आया, 1000 अपॉन m आ गया। ये वाली ml में हमने किसका क्या निकाला, इसका वॉल्यूम निकाल लिया। अगर मैं इस वॉल्यूम को किससे मल्टीपल कर दूं, इसको कर दूं, मैं कपास से कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। तो बात करते हैं, देखो इसमें क्या लिखा गया है, कंडक्टेंस ऑफ वन मोल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कपा। यहां पे क्या है, 1 ml सॉल्यूशन का हमारे पास क्या है, 1 ml सॉल्यूशन की हमारे पास जो कंडक्टिविटी वो है, वो क्या है हमारे पास, के है। अगर मैं बात करूं इस वॉल्यूम के बारे में, इस वॉल्यूम की बात करूं 1000 अपॉन m, इस सॉल्यूशन की हमारे पास कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी के इनटू 1000 अपॉन m। ये वाली हमारे पास क्या आ जाती है, मोलर कंडक्टेंस। और ये वाली जो इसको किसमें लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लेमडा m या फिर केप m। और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, कपा इंटू 1000 अपॉन m। अब बात करते हैं इसके SI यूनिट के बारे में, तो ये वाला आपके पास फॉर्मूला आ जाता है किसका, मोलर कंडक्टेंस को ज्ञात करने का। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जाता है, आपको अगर सिंपल सा देगा तो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको कपा की वैल्यू निकालनी होगी। कपा की वैल्यू किस टाइप से निकाल सकते हो, आसानी से ये वाली निकाल सकते हो। और इसके एसआई यूनिट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एसआई यूनिट ज्ञात करते हैं इसकी। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट के बारे में, तो देखिए एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, किसकी, केप एम की। हम क्या करते हैं एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं, देखिए केप एम की एसआई यूनिट निकालने क्या करेंगे, पहले एम के की, कपा की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, कपा की एसआई यूनिट क्या होती है, सीमेंट्स सेंटीमीटर इनवर्स। और हमारे पास क्या है, ये एमएल में है, तो ये क्या हो गया हमारा एमएल में हो गया, अपॉन यहाँ पे क्या है मोल है। आप सबको पता होगा कि हमारे पास जो 1 ml सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, 1 cc के बराबर होता है। और 1 cc किसके बराबर होता है, 1 cm³ के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो, जो हमारे पास ml है वो किसके बराबर है, वो cm³ के बराबर है। तो इसमें यहाँ पे रखते हैं cm³, तो हमारे पास सीमेंट्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा cm³ अपॉन मॉल। तो इसको क्या करेंगे, ये वाला इससे हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सीमेंट्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल नीचे, ये वाला ऊपर गया, तो मोल इनवर्स। तो हमारे पास जो इसकी ऐसा यूनिट है, जो मोलर कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट है, वो क्या हो जाएगी, सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास मोल इनवर्स, ये इसकी ऐसा यूनिट है। जो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट के एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। तो इस टाइप से आप इसको मोलर कंडक्टेंस के बारे में आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, उसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइट था उसमें इसका किसमें लिया, हमने लिया इसमें 1 ml इसका क्या, 1 mol लिया इसमें इलेक्ट्रोलाइट में, इसका इलेक्ट्रोलाइट का 1 mol लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन चाहिए कितना भी हमारे पास वो पता नहीं है, मोलिटी गिवन हमारे पास, तो हमने क्या किया, मोलिटी निकाली किसमें, देखो हमारे पास क्या था, 1 mol ऑफ सॉल्यूट इन पर वॉल्यूम लीटर ऑफ वॉल्यूम, तो इसमें रख दिया हमारे, ये वाले हो गए, इससे हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। जैसे वॉल्यूम कैलकुलेट किया, ये हमारे पास क्या, लीटर पर मोल में था, मोल पर लीटर में था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल पर एमएल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया, यहाँ पे कपा के साथ इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, और इस स्टेप से हमने इसका फॉर्मूला यहाँ से निकाल लिया। तो आप फॉर्मूला इसको आसानी से देख सकते हो, आप इसका फॉर्मूला आप साफ लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला है मेरे पास के इंटू 1000 अपॉन m। ये वाला क्या हो जाता है हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस का ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। अब बात करते हैं हम इसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में होगा क्या, हमने यहाँ पे किसका यूज किया, मोलरिटी का यूज किया है, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें क्या करेंगे हम, नॉर्मेलिटी का यूज करेंगे, और सेम फंडा यही रहेगा। तो बात करते हैं इसमें किसके बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या होगा, हम लेंगे यहाँ पे मोलरिटी की जगह क्या लेंगे, नॉर्मेलिटी लेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिया, 1 mol ऑफ 1 mol लिया किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें क्या लेंगे हम, 1 mol लेंगे किसका, इक्विवेलेंट का, इसमें किसका लेंगे, 1 mol इक्विवेलेंट का। तो बात करते हैं देखो यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कॉल्ड, हमारे पास वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इक्वी वैलेंट कंडक्टेंस, वो क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उसको किससे डिनोट करते हैं, कैप इक्यू या फिर लैम्डा इक्यू द्वारा इसको क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये वाली बात हो जाती है, हमने मोलर कंडक्टेंस में बात क्या की थी, 1 mol इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होगी, वो क्या कहलाती है हमारी, मोलर कंडक्टेंस। और एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हमारे पास जो कंडक्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे मोलर कंडक्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, उसका सूत्र क्या था हमारे पास, के इंटू 1000 अपॉन
एम ये वाली मेरे पास वही हो जाती है, हमारे पास ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब बात करें देखो उसी टाइप से हम वही फंडा काम में लेंगे। देखो यहाँ पे वापस हमने लिया एक कंटेनर लिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने भर लिए, फिल कर लिया। इसके हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है इसकी, हमारे को गिवन है वो क्या है, एन है हमारे पास। नॉर्मेलिटी क्या है, गिवन है इसमें एम है, और जो हमारे पास एन है इसमें। और बात करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के कितने इसमें, वन इक्विवेलेंट है इसमें। क्या है, वन इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं देखो इससे इसका करते हैं हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है वो बताओ मुझे। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है वही हमारा सेम प्रोसेस रहेगा, वन इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम पर लीटर। वॉल्यूम पर लीटर मेरे पास ये वाली फॉर्म आ जाती है। अब बात करें देखो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ये किसमें है, ये अभी लीटर में होंगे, तो लीटर में कर लिया मैंने इसको। देखो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट था वन, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। ऐसे की चीज जाती है, ये मेरी किसमें है, लीटर में है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, लीटर में कन्वर्ट। तो किस में करते हैं वो करेंगे हम एमएल में कन्वर्ट करेंगे, और एमएल के कन्वर्ट करने के बाद हम डायरेक्ट कपास से इसको मल्टीपल करेंगे, और हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, लीटर में है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, एमएल में। तो जैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं एमएल में, जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला किस में चला जाएगा, ये वाला देखो ऊपर से वापस हम कर देंगे किससे, थाउजेंड से मल्टीपल कर देंगे, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी। और ये अब किसमें हो जाएगी, अभी यहाँ पे क्या था हमारे पास, वन इक्विवेलेंट था किसमें, इक्विवेलेंट इन लीटर था। यहाँ पे क्या था, इक्विवेलेंट इन लीटर था। अब यहाँ पे क्या हो गया, इक्विवेलेंट इन एमएल। ये वाले मेरे पास फॉर्म आ जाती है क्या, इक्विवेलेंट इन एमएल, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन दैट्स कॉल्ड कप्पा। ये वाली फॉर्म हमने पढ़ी है, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा, ये वाली हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास ये तो क्या वॉल्यूम कितना था, 1 ml था। अगर हम इस वॉल्यूम के बारे में बात करें, इस वॉल्यूम के हमारे पास कंडक्टेंस निकाले तो क्या होगा, इतने वॉल्यूम की कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टेंस ऑफ थाउजेंड अपॉन एन वॉल्यूम सॉल्यूशन की हमारे पास क्या हो जाएगी, जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, के इंटू थाउजेंड अपॉन एन। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी कंडक्टेंस आ जाएगी। और ये कंडक्टेंस हमारे पास क्या कहलाती है, वो कहलाती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये वाली क्या कहलाती है हमारे पास, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, डेल्टा इक्यू या फिर केप इक्यू। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, के इंटू थाउजेंड अपॉन एन। ये वाले मेरे पास क्या, इसका फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, के इंटू थाउजेंड अपॉन एन वाली हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में। तो एसआई यूनिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो एसआई यूनिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये वाला है के की एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास के की एसआई यूनिट क्या है, मेरे पास के की एसआई यूनिट क्या होती है, हमारे पास वो होती है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये वाली होती है हमारे पास के की। और जो हमारे पास जो यहाँ पे क्या है, इसमें एमएल में है, आपको पता, अभी मैंने आपको बताया था एमएल किसके बराबर होता है, सीसी के बराबर। 1 ml किसके बराबर था, 1 cc के बराबर। और 1 cc किसके बराबर था, 1 cm³ के बराबर होता है। मतलब कि हमारे पास जो ml में था वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारे पास cm³ में। और नीचे मेरे पास क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किस में लेते हैं, इक्विवेलेंट में लेते हैं। ये वाली होगी इसमें। अब बात करते हैं देखो यहाँ से तीन से एक ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे माइनस एक हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट इनवर्स, ये क्या आ जाती है, ऐसा यूनिट आ जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक क्या पढ़ा, मैंने मोलर कंडक्टेंस पढ़ ली, और साथ साथ में मैंने पढ़ लिया कि इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ ली। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, के इंटू थाउजेंड अपॉन एन, और हमारे पास जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो क्या होती है, के इंटू थाउजेंड अपॉन एन। तो अभी तक हमने ऑल ओवर क्या पढ़ा इस वीडियो में, मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, आप कंफ्यूज ना हो, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं इसमें, आप उसके इस वीडियो में जो भी पढ़ा हमने उसके बारे में एक समरी के रूप में इसको देख लेते हैं। पढ़ा देते हैं ओम लॉ, जो हमने ओम नियम पढ़ा था वो क्या था, I बराबर V अपॉन R, R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की जो हमारे पास ऐसा यूनिट थी वो क्या थी, ओम था। उसके बाद करते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है उसका विपरीत हमारे पास क्या होता है, वो होता है कंडक्टेंस। इसको जी से डिनोट करते हैं, जी से, और इसकी जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो क्या है, ओम इनवर्स बोल सकते हो, या फिर मो बोल सकते हो, या फिर सीमेंस बोल सकते हो। उसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको क्या है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं। इसके जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये वाला इसका फॉर्मूला होता है,
आर यहाँ पे एक आर रेजिस्टेंस है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और यहाँ पे एल जो हमारे पास चालक है उसकी लंबाई है, और उसकी जो एस एन यूनिट है वो क्या है, ओम सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को किससे करते हैं, कपा, इसको क्या बोलते हैं कपा, के से डिनोट करते हैं। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो वन अपॉन आर एल अपॉन ए हो जाएगा। वन अपॉन आर को इसमें क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कंडक्टेंस, इसको जी लिख दिया, एल अपॉन ए। इसके हमारे पास एस एन यूनिट है वो क्या है, ओम, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। और हमारे पास जो एल अपॉन ए है वो हमारे पास क्या है, सेल कॉन्स्टेंट, जिसको किससे डिनोट करते हैं, जी स्टार से। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, उसको जी स्टार भी कर सकते हो। तो इसका क्या हुआ, कपा बराबर क्या कर सकते हो आप, कपा इक्वल क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो जी इंटू जी स्टार, भी इसको आसानी से लिख सकते हो आप। उसके बाद बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, वो करते हैं के एम, या फिर इसको कर सकते हैं आप लेमडा एम के द्वारा इसको डिनोट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला वो क्या हमारे पास, के इंटू 1000 अपॉन एम, एम क्या यहाँ पे मोलरिटी है, और इसके जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, वो करते हैं के इक्विवेलेंट के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। और इसके बाद जो फॉर्मूला वो क्या होगा इसका, के इंटू 1000 अपॉन एन, एन हमारे पास क्या है मोलरिटी, नॉर्मलिटी है, और ये इसकी जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। यहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस था उसमें यूजली हमने मोलरिटी, और जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था उसमें लिया मैंने यहाँ पे नॉर्मलिटी को यूज में लिया है। तो ये ऑल ओवर